गुरु प्यारी सत संगत जी, प्यार से बोली धन्यकार जी। आज का टॉपिक है, किसमें तेरा भला बुरा है, खुद ही बंदे सोच विचार। कहे हरदेव, हाथ है तेरे, बाजी अपनी जीत या हार। प्यारी सत संगत जी, परमपिता परमात्मा ने हम सबको विवेक बुद्धि दी है कि कौन सा काम हमें करना है और कौन सा काम हमें नहीं करना है। तो ये जीवन है और इस जीवन में हर इंसान अच्छे और बुरे कर्म करता है, लेकिन जो सतगुरु के दरबार में आ जाते हैं तो वो हमेशा एक नेक कर्म करते हैं, क्योंकि इंसान को पता है कि मेरा भला किसमें है और मेरा बुरा किसमें है। तो सतगुरु की सिखलाई यही है कि सबका अच्छा सोचो, सबका भला सोचो, सबका भला करो, सबके लिए दुआएं करो, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। अगर हम सारे संसार के लिए भलाई मांगते हैं, सबके लिए दुआएं मांगते हैं, सारी दुनिया के हर इंसान के लिए दुआ करते हैं कि दाता कृपा करो सभी के जीवन में खुशियां आ जाए, सभी के घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आए, सभी के जीवन में बरकत आए, तो ऐसी भावना संतों के दिल में होती है। कर दुआ ऐ मेरे दिल सभी के लिए, आदमी जी सके आदमी के लिए। जब ऐसी सुंदर सोच इंसान की बन जाती है तो फिर इंसान हमेशा सबका भला ही करता है। अगर हम सबका भला सोचेंगे, सबका भला करेंगे, तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा। कर भला तो हो भला। अगर हम सबकी भलाई करते हैं, सबके लिए अच्छे अच्छा सोचते हैं, सबके लिए दिन रात दुआएं करते हैं, अरदास प्रार्थना करते हैं, तो फिर हमारे जीवन में खुशियां अपने आप चली आती हैं। बांटोगे खुशी जो तुम भी खुशी पाओगे। तो खुशियां बांटने से दुगनी हो जाती हैं। और जो इंसान सबके लिए दुआएं करते हैं तो फिर वो दुआएं हमें अपने आप मिलती हैं। इस संसार में सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है, सबसे तेज़ रफ्तार जो होती है, वो दुआओं की होती है। तो संत महात्मा सभी के भले के लिए दुआएं मांगते हैं कि दातार कृपा करो, सबका अच्छा हो जाए, सबके जीवन में खुशियां आ जाएं। जब हम सबके लिए खुशियां मांगते हैं तो फिर अपना भला अपने आप हो जाता है। तो यही बात आज का जो यहाँ पर टॉपिक है कि किसमें तेरा भला बुरा है, खुद ही बंदे सोच विचार। कहे हरदेव, हाथ है तेरे, बाजी अपनी जीत या हार। कि हमारा भलाई किसमें है, तो ये हमें विवेक सदगुरु ने दिया है, सोचने समझने की शक्ति दातार ने हमें दी है कि हमारा भला किसमें है। तो हमारा भला केवल परोपकार में है, परमार्थ में है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरन को शीतल करे दे के अपना रंग। कि संत महात्मा जो होते हैं सारे संसार का भला करते हुए चले जाते हैं, संत बुरे का भी भला करते हैं। जो हमारे बारे में बुरा सोच रहा है तो संत उसका भी भला कर देते हैं और दातार से अरदास करते हैं कि दातार कृपा करो कि जो हमारे बारे में बुरा सोच रहा है उसकी बुद्धि भी सही कर दो, उसको भी सुमति बख्शो। यही अरदास प्रार्थना संत महात्मा करते हुए चले जाते हैं। और अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे, किसी का बुरा करेंगे, तो फिर हमारा ही बुरा होने वाला है। हम कहते भी हैं कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है तो उस खड्डे में पहले वही गिर जाता है। अगर हम एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो बाकी तीन उंगली हमारी ओर इशारा कर देती है। तो संत महात्मा यही बात समझाते हैं कि हमने सबके हित में सोचना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, सबका भला सोचना है। और जो सबका अच्छा करते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, सारी मानवता के बारे में सोचते हैं, तो फिर वो जीवन की बाजी को जीत जाते हैं। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी यही बात संपूर्ण हरदेव वाणी में हमें समझा रहे हैं कि किसमें तेरा भला बुरा है, खुद ही बंदे सोच विचार। कहे हरदेव, हाथ है तेरे, बाजी अपनी जीत या हार। कि तेरी भलाई बुराई किसमें है, खुद सोचो, खुद विचारो
खुद अपने अंतर्यामी बनो, अपने जीवन के बारे में टटोलो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ ये मानवता के हित में है या मानवता के खिलाफ है। मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा हूँ, मेरे कर्मों से किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है। तो ऐसे भाव संतों के मन में होते हैं, अपना मुआयना संत करते हैं, अपने आप का मूल्यांकन करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कि दूसरों का हित करने जैसा दुनिया में कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा तकलीफ देने जैसा कोई अधर्म नहीं है। तो संत महात्मा सबको हित ही करते हैं, सबका हित करते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, कि धर्म का मूल दया है। तो संतों के पास दया होती है, संत सभी के बारे में अच्छा सोचते हैं, सबके प्रति दया का भाव रखते हैं, संतों के दिल में सबके लिए प्रेम होता है, मिलवर्तन भाईचारा के साथ सभी को अपना बना लेते हैं और हमेशा सबकी भलाई करते हुए चले जाते हैं। और जब हम सारे संसार की भलाई करते हैं तो फिर अपना भला अपने आप हो जाता है और फिर ये सारा जीवन सुंदर बन जाता है। और फिर दातार ने जो हमें जीवन दिया है मानवता की सेवा के लिए दिया है, और जो अपना सारा जीवन मानवता की सेवा में लगा देते हैं, नर सेवा नारायण पूजा, तो ऐसे संत महात्माओं की पूजा होती है और वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाते हैं और ये जीवन बाजी को जीत लेते हैं। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए निरंकार जी।